Hello everyone, welcome to Pompa's Rasoid. Let's start with some sweets with little twist. तो चलिए आज बनाते हैं खजूर गुड़ के रसगुल्ले। तो आज की रेसिपी खजूर गुड़ की रसगुल्ले। खजूर गुड़ या पाम जैगरी जो कि सर्दियों में ही अवेलेबल होती है मार्केट में, हम क्या करते हैं कि इस गुड़ को खरीद के फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। तो खजूर गुड़ की रसगुल्ले बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है मिल्क चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो फुल क्रीम मिल्क, थोड़ी सी चीनी चाहिए, रेगुलर मैदा, रेगुलर फ्लोर, विनेगर चाहिए हमें 2 टेबलस्पून और कुछ खजूर गुड़ चाहिए। खजूर गुड़ की फ्लेवर बहुत ही अच्छी होती है, जब ये रसगुल्ले बनते हैं इसकी अरोमा हर तरफ जाते हैं। तो इस रसगुल्ले पे हम कई एडिशनल इलायची या किसी तरह की भी फ्लेवर हम इस पे नहीं डालेंगे, बस गुड़ की ही अरोमा निकलेगी, गुड़ की ही फ्लेवर निकलेगी। अब हमने 2 लीटर जो दूध दिखाई थी उसे इस पतीले में डाल दिया है। इसे अभी हम हीट करेंगे और इसे बॉईल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैं गैस ऑन कर चुकी हूँ और ये गर्म करने के लिए रख दिया। जैसे हल्की गर्म होने लगे, ये जो मैंने विनेगर वहां पे रखे थे उसी पे उतने ही पानी मैंने ऐड किया है। तो जैसे थोड़ा सा गर्म होने लगे तो हम इसे धीरे धीरे डालेंगे और उसको चलाते जाएंगे। तब तक हम वेट, थोड़े 2-4 मिनट हम वेट कर लेते हैं। दूध चढ़ाने के बाद हम इसे इसी तरह से गोल गोल घुमाते रहेंगे। अभी हमने विनेगर डाले नहीं है पर इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। विनेगर डालने के बाद भी हम इसे ऐसे ही चलाएंगे ताकि इसकी मलाई जो है ऊपर ना चढ़े, और ऊपर जैसे मलाई होती है वैसे बना नीचे ताकि पनीर अच्छा निकले। अब ये दूध गर्म होने लगी है तो मैं इस तरह से धीरे धीरे विनेगर और उसके साथ पानी मिलाया हुआ को डालूंगी, धीरे धीरे करके ऐसे इसी तरह चलाते रहूंगी। एक बार, 2 बार, 3 बार में जब हम डालेंगे तो धीरे धीरे इसके ये फटना शुरू हो जाएगा। हाँ, और ये अब धीरे धीरे इसकी पनीर निकलने लगे, दूध फट चुकी है और पनीर इससे अलग हो रही है। अब एक पतीला ले लेते हैं और इसे छाकने के लिए एक चलनी ले लेते हैं और इसके ऊपर एक इस तरह से कपड़ा डालेंगे, इसके ऊपर से ही हम इसे छाकेंगे और इसी तरह से हम इसे छाक लेंगे। और इस तरह से 2 लीटर दूध में मुझे इतने पनीर मिल गए हैं क्योंकि मैंने इस पे विनेगर से दूध को फटाया था। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी खट्टापन आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमें एक बार अच्छे से इसे धुल लेने होंगे। हाँ, अब ये मैंने पनीर को अच्छी तरह से साफ पानी से धुल लिए और इसे टाइट करके हम बांध के इसे हैंग करके रखेंगे ताकि इसके जितने भी पानी हो इस तरह से इसका पानी निकल जाए। इसे हम टाइट से बांध देंगे और अब हमारा ये पनीर बनके तैयार हो गया है। मैंने 2 घंटा इसे बांध के रखा था। ये देखिए इस तरह से कितनी अच्छी पनीर निकल गई और इसका सारा पानी भी निकल गया अच्छी तरह से, फ्रेश पनीर आ गया। अब हम इस पनीर को एक अलग से थोड़ा बड़ा सा प्लेट पे इसका हम डो बनाना शुरू करेंगे। इसे बहुत अच्छी तरह से हम इसे मिलाते रहेंगे जब तक ये पनीर बिल्कुल सॉफ्ट ना बन जाए। आप देखिए बहुत ही रफ सा लग रहा है, रफ हो रही है, पर आप इसे इतनी देर तक इसे मिलाओगे कि ये धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तब तक इसकी डो बनाते रहना है। और इसी तरह से आप इसे अच्छी तरह से बस
इसे मिलाते रहिएगा और सॉफ्ट बनाते रहिएगा। सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रसगुल्ला जो फूलते हैं ना, वो जितनी सॉफ्ट होगी पनीर, उतनी अच्छी तरह से रस अंदर जाती है। और देखिए इस तरह से अच्छे से नीडिंग के बाद अच्छे से इसकी डो बन चुकी है। तो 2 लीटर दूध में मुझे इतने सारे पनीर मिले थे। 2 लीटर दूध की पनीर में आप 4 टीस्पून रेगुलर फ्लोर डालेगा। अगर 1 लीटर दूध की बनाते हैं तो टीस्पून से दो टीस्पून फ्लोर इस पर ऐड कीजिएगा। सिंस मैंने 2 लीटर बनाया तो मैंने 4 टीस्पून का फ्लोर मैंने इस पर ऐड किया। अब मैं इसका अच्छी तरह से नीडिंग करूँगी वापस, फिर से इसकी मिक्सचर बहुत अच्छी होनी, डो काफ़ी अच्छी बनी, तो नीडिंग की बहुत ध्यान से करना है। अब ये इसकी डो पूरी तरह से तैयार हो गई है, काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए, देख सकते हैं आप। इसकी हम हाफ हाफ में अलग अलग कर देते हैं। चलिए अब इसका मैं राउंड राउंड शेप में, रसगुल्ले की शेप में तैयार कर देती हूँ। इस तरह से टाइट करके पहले तो इसे बना लीजिए, एंड देन इसे राउंड राउंड शेप में, रसगुल्ले के शेप में करके रख दीजिए। और जरूर ध्यान रखिए कि कहीं भी किसी भी तरह से साइड से या कहीं से फटा हुआ नजर नहीं आए, बिकॉज अगर फटी भी नजर आएगी तो फिर यहाँ से रस जब जाएगी तो ये फट जाएगी। इस तरह से हम सारे डो का रसगुल्ले के शेप देना शुरू करते हैं। जब तक हम ये पूरा बना के ख़त्म करते हैं तब तक हम जाके पहले पानी चढ़ा के और शुगर की सिरप तैयार करते हैं। इस तरह से हमने सारे पनीर की डो की रसगुल्ले के शेप पे हमने तैयार कर लिए, और बस ये लास्ट बची है। तो मैंने पहले से ये चाशनी चढ़ा के गई थी, चीनी की चाशनी है। नॉर्मली हम जब चाशनी बनाते हैं वाइट रसगुल्ले के लिए तो उस पर हम शुगर ज़्यादा डालते हैं और इलायची या किसी अदर चीज़ की फ्लेवर डालते हैं, पर इस बार मैंने बिल्कुल इलायची नहीं डाला। यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध की पनीर में 4 लीटर पानी डाला और 250 ग्राम शुगर डाला, वाइट शुगर। जो मैंने खजूर गुड़ या पाम जागरी इसे मैं डाल लूंगी, बहुत ध्यान से डालिएगा ताकि हाथ पे ना पड़े। इस तरह से और इसे फिर हम और 5-10 मिनट इसे हम जब तक ये गल जाए, गलने के बाद वो 2-1 मिनट हम उबालेंगे, वैसे 5-10 मिनट में पूरा बन जाती है, चाशनी तैयार हो जाएगी। जैसे चाशनी तैयार हो जाएगी हम बने हुए रसगुल्ले को एक एक करके इसमें उबालना शुरू करेंगे। ये चाशनी तैयार हो रही है, अब उबल आ जाए, फ्लेम बढ़ा देती हूँ। अब ये चाशनी ऑलमोस्ट तैयार है, देखिए इसकी कलर रेडिश ब्राउनिश हो रही है बिकॉज ऑफ गुड़, और बहुत मोटी चाशनी नहीं बनी है। एक एक करके मैं छोड़ूंगी धीरे धीरे। अगर रसगुल्ले सही बने हैं तो ऐसे डालते ही ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा, जैसे देखिए मैं डाल रही हूँ एक एक करके और ये ऊपर आना शुरू हो रहा है। अगर ये नीचे डूब जाती है, नीचे गिर जाती, उड़ती नहीं, फ्लोट नहीं होती, फिर कुछ गड़बड़ी है। बस अब मैं धीरे धीरे फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दूंगी और अब छोड़ सकते हैं। इसी तरह से हम सारे रसगुल्ले एक एक करके छोड़ देंगे, और सारे देखिए बहुत अच्छी लग रही, सारे गुल्ले फ्लोट हो रही है। इस तरह से सारे रसगुल्ले मैंने इसमें डाल दिए और देखिए सारे ये फ्लोट होना शुरू हो गए, कोई भी नीचे नहीं है, सारे ऊपर ही फ्लोट हो रहे हैं। अब मैं इसकी फ्लेम फिर से थोड़ा बढ़ा के इस तरह से हल्का कवर कर दूंगी। ध्यान रखूंगी हर आधे मिनट में, 1 मिनट में खोल के देखूंगी कहीं फट ना जाए। कभी कभी क्या होता है कि बनाते समय फट के ऊपर आ जाता है, तो ये ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा फ्लेम नहीं, मीडियम फ्लेम ही रखिएगा, और ध्यान रखिए कि हर 1-2 मिनट में ऐसे देखेंगे
5 से 6 मिनट अब आप उबालेंगे बस। आप 5 मिनट हो चुका है, इसका ढक्कन खोल के देखते हैं। हाँ जी, इसे काफी फूल गया, रस इसके अंदर चली गई दिख रहा है ये। अब मुझे लगता है ये सारे रसगुल्ले हो चुके हैं, इसकी फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ और कुछ देर के लिए इसे हम ठंडा करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरह से बने, सब बहुत खूबसूरत बने, कलर इसकी बहुत अच्छी आई है, खुशबू तो अच्छी आ ही रही है। तो ये हमारे गुड़ की रसगुल्ले तैयार है। अगर आपको मेरी ये खजूर गुड़ के रसगुल्ले की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।